मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट, रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगा। आज हम एडिशनल SP साहब के पास आए मिलने के लिए। कोलकाता कंपनी के कुछ लोगों ने एक गलत तरीके से FIR रजिस्टर करवाई मुजुद्दीन उर्फ मोया पर, जिसमें आर्म एक्ट लगाया गया। हमारा ये बोलना था कि आर्म एक्ट जो लगा है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उसने बंदूक निकाला। अगर तूतू महमाय हुई है तो जो हुआ है उतना ही केस रजिस्टर होना चाहिए। तो उनसे गुजारिश की, उन्होंने बात समझी और ये बोला कि हम उसको समझ लेते हैं, इंक्वायरी करके जो भी सही कार्रवाई है वो हम करेंगे। कोलकाता कंपनी जब से मालेगांव शहर में आई है, कोई भी कंपनी हो, कोई कारपोरेशन हो, कोई एजेंसी हो, इनके बीच में कुछ लोग काम काज करते हैं, आवाम और दूसरी एजेंसी के बीच में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और आवाम के बीच में कुछ लोग काम करते, वैसे ही मालेगांव शहर के सैकड़ों वायरमैन जो कंपनी और आवाम के बीच में सहूलत हो इसके लिए काम काज करते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि तू-तू मैं हो जाती, बातचीत कुछ बिगड़ जाती काम काज को लेकर, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर आर्म एक्ट लगा दिया जाए। कंपनी के लोग अभी ये बोलने लगे कि अगर उनसे कोई भी काम काज में उज्जत तकरार करेगा तो वो उसके ऊपर आर्म एक्ट लगा देंगे। इस तरह से डर और खौफ बनाया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि कंपनी अगर कुछ गलत कर भी रही है, रात के अंधेरे में दो दो तीन तीन बजे मार्शल के साथ बंदूक के साथ कंपनी के लोग रेड मारते हैं। अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो दिन में भी रेड मारा जा सकता है। अब टेक्निक इतनी हाई हो गई है कि मीटर अगर कोई रात में बंद करता है तो भी समझ में आ जाता है कि मीटर बंद है। ये सब टेक्निक हो जाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है रात में दो दो तीन तीन बजे आकर रेड मारने की। यही बात हमने एडिशनल साहब को बोली और आने वाले वक्त में रमज़ान है और ऐसे टाइम में जानबूझकर कंपनी के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं कि उसमें किसी भी तरीके से शहर का वातावरण ख़राब हो। एक एक साल पहले मीटर जो निकला और लोगों ने खुद अरीजा देकर जो मीटर निकाला उसके ऊपर भी दंड, एक साल के बाद अभी रात में मीटर निकाला जा रहा है, जिनके 10 लूम है उनके मीटर निकाले जा रहे हैं। मुसलसल कंपनी की तरफ से जुल्म हो रहा है। हमने पहले से ही ऐलान किया हुआ है निहाल साहब के बरसी के प्रोग्राम में कि 10 मार्च तक कंपनी जो लोगों को तकलीफ दे रही है वो आगरा रोड की ऑफिस में हमारे पास रात में 8 बजे से 11 बजे तक शिकायत करें। 10 मार्च के बाद हम एक बड़ा आंदोलन सटाना रोड पर स्क्वायर बिल्डिंग के सामने करने वाले हैं और ये बात हमने आज पुलिस डिपार्टमेंट को भी बोली है कि हम आंदोलन करेंगे तो वहीं करेंगे, हम इस तरफ आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरफ कोई ऑफिस भी जानबूझ के नहीं बनाई। जहां ऑफिस बनी है वहीं उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की हम रमजान से पहले हमारी तैयारी है। और आज जितने शहर के वायरमैन थे ये सब लोग हमारे साथ यहां पर आए थे कि जिस तरह कंपनी लोगों में डर खौफ पैदा कर रही है ये ख़त्म होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ये वादा किया है कि हम चौकसी कर रहे हैं और अगर कंपनी गलत करती है तो आप उनके खिलाफ जो संविधान में गुंजाइश है उस हिसाब से आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो।